हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सी एस मनीषा है। मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके फेवरेट चैनल .com में, डॉक्टर ऑफ टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। आज हम लोग बात करेंगे एमसीए से रिलेटेड, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने जो सर्कुलर जारी किया जिसमें ये बताया कि AOC4 और MGT7 जो फॉर्म्स है उनका ड्यू डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है ड्यू डेट इन 2019। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। मैं कोशिश करूँगी यूं ही जीएसटी इनकम टैक्स कंपनी एक्ट से रिलेटेड वीडियो अपडेट्स आपके लिए लाती रहूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, ये सर्कुलर नंबर 13/2019 डेटेड 29 अक्टूबर 2019, जिसमें ये कहा गया है रिलैक्सेशन ऑफ एडिशनल फीस एंड एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट इन फाइलिंग ऑफ फॉर्म MGT7 एंड AOC4, MGT7 जिसको हम लोग एनुअल रिटर्न के नाम से भी जानते हैं, AOC4 जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कीपिंग इन व्यू द रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस फैक्टर्स, इट हैज बीन डिसाइडेड to extend the due date for filing of e-form, that is AOC4, AOC CFS, yani Consolidated Financial Statement, AOC4 XBRL, up to 30 November 2019. Yani AOC4 जो है उसका ड्यू डेट रहेगा 30 नवंबर 2019 और MGT7 का होगा 31 दिसंबर 2019 बाई कंपनीज विदाउट लेवी ऑफ एडिशनल फीस। जैसे कि हम लोग जानते हैं AOC4 और MGT7 हर कंपनी को फाइल करना पड़ता है। AOC4 जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं उसे फाइल करना पड़ता है हमें 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ AGM, यानी अपने जब भी अपना एनुअल जनरल मीटिंग किया है उस डेट से 30 डेज काउंट करिएगा और उस टाइम लिमिट के अंदर आपको ये फॉर्म भर के देना होता है। और जब बात करें हम MGT7 की, जिसे हम एनुअल रिटर्न कहते हैं, उसको भी भर के देना पड़ता है। उसका ड्यू डेट रहता है जब भी आपने AGM किया है वहाँ से 60 डेज के अंदर अंदर आपको भर देना पड़ता है, तो आपका कोई लेट फी नहीं लगेगा। ये तो बेसिक क्लैरिटी हो गया कि AOC4 के लिए 30 डेज का टाइम लिमिट होता है फ्रॉम AGM और MGT7 के लिए 60 डेज होता है फ्रॉम द डेट ऑफ AGM। अभी क्या हुआ है, इस सर्कुलर के थ्रू इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी जैसा कि आप जानते हो, अगर एक कंपनी का AGM, सपोज मैं कहूँ कि 30 सितंबर को AGM हुआ, कम लास्ट डेट होता है AGM का 30 सितंबर के अंदर आपको AGM कर लेना होता है। अगर उस डेट पे हुआ है सितंबर को, तो AOC4 के लिए आपका ड्यू डेट बनता है 30 अक्टूबर, वहीं MGT7 के लिए बनता है 29 नवंबर। इसे एक एक महीना एक्सटेंड हो गया। इसी तरह से AOC4 का अब जो ड्यू डेट है वो है 30/11/2019, यानी 30 नवंबर 2019, और MGT7 का हो चुका है 31 दिसंबर 2019। अगर इस टाइम लिमिट के अंदर आप फाइल करोगे तो आपको कोई लेट फी नहीं लगेगा। इस सर्कुलर के बारे में आप mca.gov.in पोर्टल पे भी देख सकते हैं। दिस इज सी एस मनीषा साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।